हेलो भाइयों नमस्कार, सभी बाइक वोट इन्वेस्टरों के लिए मेरे दिल से नमस्ते निकलती है और दुख भी निकलता है कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में होते हुए फिर भी एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे 25 से 30 आदमी कंटिन्यू आ भी रहे हैं, 100 से 150 आ रहे हैं। बताओ जब 8 लाख आईडी लगी हुई हैं तो एक बंदा भी यहाँ पे नहीं आ रहा। क्या किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारा पैसा हराम खा था? क्या पैसा संजय भाटी के ही खाते में रहेगा, वो कभी बाहर नहीं आएगा? आज हम बाइक बोट कैंपस पर लगे हुए हैं, ये बाइक बोट कैंपस है जहाँ रुके हुए हैं हम, और तन मन से रुके हुए हैं। आज हम कोई सहारनपुर से है, कोई मेरठ से है, कोई मुजफ्फरनगर से, आज सब भाई पीड़ित हैं, सब भाई पीड़ित हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम संजय भाटी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, बस आपस में ही लड़ रहे हैं कि मेरा ये मेरे सर हैं, इन्होंने मेरी आईडी लगवाई है, मैं इनके खिलाफ़ लड़ूं। आज हम एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ खा रहे हैं। अगर ऐसा ही संजय भाटी की जो नीति है कि हम आपस में लड़ें और मुझे सब भूल जाएं, वही चीज़ आप करने जा रहे हो। अगर हम चाहते तो आपस में लड़ते, दीपक सर जो मेरे सामने खड़े हैं वो भी हमारे लीडर हैं, अगर हम चाहते तो हम खुद आपस में लड़ते। भाई यहाँ हम 30 तारीख को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत 1 तारीख को 1 जुलाई को होगी और 30 जून तक, 30 जून की शाम तक हर बंदा अपने साथ सिर्फ एक कपड़ा जोड़ी पहनने के लेके आए और एक ओढ़ने का लेके आए, बाकी सब सुविधा खाने की, पीने की, रहने की हम करेंगे भाई, चाहे अपने घर से ला के करें या कैसे भी करें। बस आप आओ, क्या आपका पैसा मेहनत का नहीं था? क्या संजय भाटी का पैसा था? वो आपका नहीं था? अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट करते रहे तो हम नहीं बच पाएंगे, ना कभी हमारा पैसा मिल पाएगा। हमने किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ा था, किसी ने अपने भाई की पढ़ाई के लिए जोड़ा था, आज किसी ने अपनी माँ के इलाज के लिए जोड़ा था। बताओ आज स्थिति क्या है? हम सिर्फ आपस में ही लड़के रहेंगे? मेरी स्थिति ऐसी है कि आप यकीन नहीं करोगे, खुद मेरी वाइफ आज की डेट में बहुत बीमार है और मैं उसके इलाज के लिए भी परेशान हूँ। क्या ऐसा ही होता रहेगा? अगर मैं चाहता तो मैं अपने जो मेरे सीनियर पर्सन है, वो नवनीत भाटी हैं, मैं उनको ही फंसा देता। क्या उनसे पैसा मिलेगा? अरे इस संजय भाटी ने ना तो लीडर के पास छोड़ा, ना इन्वेस्टर के पास पैसा छोड़ा, किसी के पास पैसा नहीं छोड़ा, सब पैसा संजय भाटी के पास है। क्यों ना हम एकत्र होकर, एक संगठित होकर संजय भाटी के खिलाफ आंदोलन करें। संजय भाटी मुर्दाबाद, संजय भाटी मुर्दाबाद, सचिन भाटी मुर्दाबाद, आदेश भाटी मुर्दाबाद, पवन भाटी मुर्दाबाद। हम लोग यहाँ पे गर्वित कैंपस में हैं और आज हमारा 1 तारीख से लेकर कंटिन्यू धरना चला हुआ है और आज हम लोग 26 तारीख में एंटर कर चुके हैं और अभी आने वाली 30 तारीख को हम लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। 30 तारीख की शाम को सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हों और 1 तारीख को हम कुछ इतना बड़ा करेंगे जिसको लगभग लगभग इंडिया के हर बड़े न्यूज़ चैनल आपको लाइव दिखाएंगे और हो सकता है कि आपको मतलब बहुत कुछ नया कुछ जानने को भी मिलेगा यहाँ पर। और हमारी जो एक लड़ाई है वो बस केवल संजय भाटी और करण पाल ऐसे ऐसे जो बड़े अजगर हैं इनके खिलाफ है, ना कि आप लोग आपस में जो एक दूसरे लीडर के ऊपर ये जो लोग जो ब्लेम गेम आप लोग जो कर रहे हैं, जो छोटे एक दूसरे के ऊपर आप लोग जो लड़ाई के आरोप जो लगा रहे हैं इनके खिलाफ, ये जो आप रिपोर्ट वगैरह जो कर रहे हैं ऐसा आप लोग ना करें। और सभी लोगों से एक ही अपील है, 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो, शाम के टाइम यहाँ पर रहने खाने सोने की सारी व्यवस्था अवेलेबल होगी सभी लोगों के लिए। बस एक बार और फिर से यही कहना चाहता हूँ कि 30 तारीख की शाम को सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो, बहुत बड़े जनमानस के साथ में, बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए, अपना पैसा वापस लेने के लिए, क्योंकि ये सभी लोगों की मेहनत का पैसा है। बहुत बढ़िया भाइयों, मैं आर्मी से हूँ, जाट रेजिमेंट से, और अभी रिटायर आया हूँ 1 नवंबर को, और मैं बहुत गहरी परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। मैं सेना में 22 साल सर्विस करके और रिटायर आया हूँ और जो पैसा मैं लाया था वो मैंने संजय भाटी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी। मेरी मैसेज 3 साल से कैंसर से पीड़ित चल रही और वो 19 जनवरी को एक्सपायर्ड हो गई, क्योंकि जनवरी में फर्स्ट में मालूम चल गया था कंपनी बंद होने वाली है और मैं नवंबर में रिटायर आया था 40 लाख रुपया लेकर के। मैंने पूरा पैसा
जो मेरे पे कर्ज हुआ था उसको चुकाने के लिए मेरा पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया मैंने संजय भाटी के यहाँ पे। आज मैं बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा, न योगी जी ध्यान दे रहा इस इन बातों के ऊपर, न मोदी जी ध्यान दे रहा। आखिर सेना ने ऐसा क्या किया जो भाटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? आज जेल के अंदर भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के और स्वापी रख के ऐसी की जिंदगी गुजार रहा है। क्यों प्रशासन हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या हमने देश को धोखा दिया है? देश की सर्विस नहीं की इज्जत से? क्या नहीं किया? उग्रवादी नहीं मारे? पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया? क्या नहीं किया? हमको इसका मोदी जी और योगी जी से जवाब चाहिए, नहीं तो हम अपना आत्महत्या करके और इसी ऑफिस के ऊपर बिल्कुल जान दे देंगे अपनी। ये हमारा क्लियर कन्फर्म है।